नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने जो सियासी ड्रामा हुआ उसे देश ने देखा, लेकिन अधिकारी की हत्या का मास्टरमाइंड कौन है इसका सच अभी भी सामने नहीं आया। लेकिन सियासतदानों की बयानबाजी दिन भर हुई। कल तक रघुराम राजन के पीछे हाथ धोकर पड़े सुब्रमण्यम स्वामी ने केजरी को 420 कहा, तो एलजी नजीब जंग को कांग्रेस का एजेंट बताया। लेकिन देश में जैसे बयानवीरों की बाढ़ आ गई है। कैराना के मुद्दे पर कल असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला था, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी शिवाजी का जिक्र कर इतिहास की परतें खोल दी। राजस्थान के मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने तो सारी हदें लांघ दी। अपने 32 मिनट के भाषण में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए 8 बार अपशब्दों का इस्तेमाल कर डाला। हालांकि मीडिया में छिछालेदार होने के बाद उन्होंने माफी जरूर मांगी, लेकिन तीर जब कमान से निकल जाए तो वापस कहां आता है। कुछ ऐसे ही जैसे लालकेश्वर और उनकी पत्नी उषा सिंह की गिरफ्तारी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लगा कलंक कभी नहीं मिट सकता। माफी तो श्रीनगर की डीपीएस स्कूल ने भी मांगी, लेकिन महिला टीचर्स के पहनावे पर अब कोई पाबंदी नहीं है ये भी कहा, लेकिन घाटी को बवाल में धकेलने के बाद। विवादों की सियासत के बीच केंद्र सरकार और अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन दौड़ाने की बात भी बेताबी दिखा रही है, लेकिन रूट कौन सा होगा ये जानकर आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। पीएम मोदी के दफ्तर यानी दिल्ली से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक, जाहिर है मकसद सिर्फ मुसाफिर नहीं यूपी की सत्ता भी होगी। सियासत सरहद पार भी हो रही है और वो भी हिंदुस्तान के नाम पर। पठानकोट पर पाकिस्तान ने अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन पाक की सेना इस बात से ही उखड़ गई है कि नवाज शरीफ मोदी के साथ दोस्ताना क्यों दिखा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस आड़ में पाक सेना नवाज के तख्तापलट की तैयारियों में भी जुट गई है। रुख करते हैं सियासत का। जी हां, देश में योग दिवस की तैयारियां हैं, तो दुनिया इंटरनेशनल योगा डे के स्वागत में जुट गई है। हर कोई योग की शरण में जाने को बेताब है। देश की सियासत किस तरह से योग के जरिए आगे बढ़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। सूरज की पहली किरण के साथ साथ 35,000 के हुजूम से योग पथ में तब्दील हुआ था राजपथ। जब आम लोगों और बच्चों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने किया था योगासन, जब दुनिया ने कबूल की थी योग की अहमियत और 193 देशों ने मनाया इंटरनेशनल योगा डे, और जब देश के दिल कहे जाने वाली दिल्ली ने गिनीज बुक में दर्ज कराए 2-2 रिकॉर्ड्स। भारत का गौरव बढ़ाने वाला वो पल एक बार फिर दस्तक देने को बेताब है, लेकिन दुनिया की निगाह इस बार लुटियंस की दिल्ली में नहीं बल्कि योग के रंग में रंगी सिटी ऑफ ब्यूटी चंडीगढ़ पर है, जहाँ 90,000 स्क्वायर मीटर में बने कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पीएम मोदी लगभग 30,000 लोगों के साथ योग करेंगे। चंडीगढ़ में होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें 30,000 से ज्यादा लोग योग करेंगे। स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ रहने वाले हैं। एक अच्छा कार्यक्रम होगा, एक अच्छा मैसेज आएगा। हमारी इस प्राचीन धरोहर को दुनिया ने स्वीकार किया है, इसके लिए हमको बताना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के दूसरे हिस्सों से भी लाखों लोग योगासन में लीन होंगे। मसलन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फरीदाबाद में योगासन करेंगे, तो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू दिल्ली में हजारों लोगों के साथ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली माया नगरी मुंबई में होंगे। उमा भारती गुलाबी शहर को योग के रंग में रंगेंगी, तो कलराज मिश्र प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस की कमान संभालेंगे। मेनका गांधी पीलीभीत में योगाभ्यास करेंगे, तो रविशंकर प्रसाद पटना की कमान संभालेंगे। इसी तरह भोपाल में स्मृति ईरानी और कोलकाता में राधा मोहन सिंह। पूरे देश में इसी तरह मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा होगा। भारत ही नहीं, दुनिया के 193 देशों में भी पिछली बार की तरह इंटरनेशनल योगा डे की धूम रहेगी। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस समेत दुनिया के कई मुल्क में नेता से आम आवाम योगासन करते नजर आएंगे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले साल यहाँ पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी योग किया था। जाहिर है योग की पहचान अब ग्लोबली हो चुकी है,
लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। सितंबर 2014 का वो दिन कोई नहीं भूल सकता, जब संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने विश्व बिरादरी से इसका आह्वान किया और 177 देश पीएम मोदी की इस पहल के प्रस्तावक बन बैठे। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। ये हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। और सदियों से भारत के ऋषि मुनियों की विरासत रही इस योग को बुलंदियों पर पहुंचाने में एक नाम और है, वो है बाबा रामदेव। योग को गांव से लेकर कस्बों तक पहुंचाने वाले बाबा ने शनिवार को दुबई में तो रविवार को राजपथ पर रिहर्सल कराई। जिस तरह बाहरी विज्ञान की दुनिया में आइंस्टीन का नाम सबसे अव्वल है, कुछ इसी तरह भीतरी विज्ञान की दुनिया में पतंजलि है। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही समस्त दर्शनों, विधियों, नीतियों, नियमों में योग श्रेष्ठ है। पतंजलि ने ईश्वर तक पहुंचने की 8 सीढ़ियां बताई हैं, तो गीता जैसे ग्रंथों से लेकर साहित्य तक योग के जिक्र से भरा हुआ है। आज जिस योग की दुनिया दीवानी हो चली है, वो योग आखिर है क्या? दरअसल योग एक विज्ञान है जो धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या फिर ईसाई, योग में सब भाई भाई हैं। धर्म इंसान को खूंटे से बांधता है, तो योग उन खूंटों से मुक्ति का मार्ग बताता है। प्राचीन ऋषियों से लेकर आज बॉलीवुड के सितारे हों या फिर नेताओं से लेकर अफसर, आपने योग करते हुए सबको देखा होगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बहाने सरकार इसे बच्चे बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देश के बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो कल सुबह 6 बजे से आप देखेंगे देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जनता, आम आवाम किस तरह से योग की साधना में जुटेगी। और एक मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे इतिहास से, हमारी जड़ों से, हमारे संस्कारों से हम जुड़े रहें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जुड़ने की ये कोशिश शिक्षा के जरिए होती है, लेकिन बिहार में टॉपर घोटाले से सुर्खियों में आए लालकेश्वर प्रसाद अपनी पत्नी समेत मोक्ष नगरी बनारस से गिरफ्तार हो गए। क्या बिहार के बच्चों का भविष्य खराब करने का ये गोरख धंधा दोनों पति पत्नी मिलकर कर रहे थे? अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के टॉपर्स घोटाले के बाद बच्चा राय हर शख्स की जुबान पर बैठ गया है। बच्चा बच्चा इस बच्चा राय के कारनामों की चर्चा कर रहा है, जो बिना पढ़े लिखे बच्चों को स्पाइडरमैन की तरह डिग्री के ढेर पर बैठा रहा था। पहले बच्चा राय बेनकाब हुआ, तो अब उसका आका लालकेश्वर प्रसाद पुलिस की गिरफ्त में है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहते लालकेश्वर ने शिक्षा माफियाओं का एक ऐसा तंत्र बना दिया था, जो पैसे के दम पर डिग्रियां बांट रहा था। लेकिन टॉपर्स माफिया की हकीकत उस दिन सामने आई, जब वैशाली की आर्ट्स टॉपर रही रूबी रॉय ने पॉलिटिकल साइंस के उच्चारण को ही बदल डाला। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। रूबी राय पर हुए खुलासे ने बिहार की किरकिरी कराई, तो भद्द पीटता देख मुख्यमंत्री ने बीएससीबी के तत्कालीन अध्यक्ष को तलब कर लिया। सीएम के सख्त संदेश के बाद 15 जून को लालकेश्वर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन कानून के हाथ खुद की तरफ बढ़ता देख लालकेश्वर फरार हो गया। बात निकली तो दूर तक पहुंची। जल्दी ही ये खुलासा भी हो गया कि जेडीयू की पूर्व विधायक और लालकेश्वर सिंह की पत्नी उषा सिंह की डिग्री भी फर्जी है। उषा सिंह का रसूख प्रशासन के एक्शन में रोड़े अटकाने लगा, लेकिन अब पति और पत्नी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनका बचना नामुमकिन। देखिए, गिरफ्तारी हुई है और शुरू से हम लोगों ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, जांच होगी, दोषी पाया जाएगा उसको सजा दी जाएगी। पुलिस अपना काम उन्होंने किया, कानून अपना काम करेगा, तो यहाँ किसी के साथ पक्षपात नहीं है। जो भी अगर दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी।
लालकेश्वर और उषा मोक्ष नगरी काशी के एक आश्रम से गिरफ्तार किए गए। मुमकिन है अब टॉपर्स घोटाले को भी मोक्ष मिल जाए। लेकिन ये कहानी लालकेश्वर तक अकेले सीमित नहीं है। सवाल है कि आखिर लालकेश्वर के ऊपर किसका हाथ था? लालू और नीतीश के साथ लालकेश्वर और बच्चा राय की तस्वीरें क्या कहती हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ सरकार की साख का नहीं, लाखों होनहारों के मुस्तकबिल का भी है। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। तो बिहार में जिस तरह की शिक्षा का हाल सामने आ रहा है हर दिन, वो बताता है कि बिहार किस तरफ बढ़ रहा है। सुशासन की बात करने वाले नीतीश किस तरफ ले जा रहे हैं और उसमें हाथ किसका है, ये भी खबरें लगातार आती रही है। बहरहाल खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ ACB में FIR दर्ज हो गई है। और भी खबरें दिखाएंगे आपको, मोहन भागवत के बयान पर चर्चा भी करेंगे खास मेहमानों के साथ। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दुनिया की खबरों के बाद रुख करते हैं देश की सियासत का। जी हां, पलायन का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है और लगातार बनता जा रहा है। हर कोई ऐसा लगता है हिंदुत्व की कमान के नाम पर, हिंदुत्व के राजनीति के नाम पर, हिंदुत्व की वैशाखी के नाम पर यूपी की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिशों में जुटे हैं। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उठाया था और उसके बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी उसे मानो छोड़ने को तैयार नहीं है। एक एक कर बीजेपी के नेता और मंत्री कैराना मामले को रट रहे हैं, तो अब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बयानबाजी में कूद पड़े हैं। मोहन भागवत ने कैराना के मुद्दे पर दुख का इजहार किया, लेकिन साथ साथ वो मुगल काल का इतिहास भी खंगाल बैठे। इधर समाजवादी पार्टी अपनी नाकामी पर बात करने की बजाय सियासत में जुटी है। यूपी सरकार का कोई मंत्री इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर इतने सारे लोग घर बार छोड़कर क्यों चले गए। अगर ये कानून व्यवस्था का ही मसला है तो इसकी जिम्मेदारी क्या यूपी सरकार पर नहीं है? BSP का कहना है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इसकी साजिश रची है। तो जहरीले बोल से सुर्खियां बटोरने वाले हैदराबाद सांसद ओवैसी ने भी आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन सवाल है कि क्या फिर कैराना के बहाने यूपी को जलाने की साजिश हो रही है? क्या वोट के लिए होगी? इस जंग में गंगा जमुनी तहजीब पर चोट तो नहीं लग रही है? समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राकेश सिन्हा, जुड़ेंगे कुछ ही देर में। उर्मिलेश जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और नावेद सिद्दीकी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, मंत्री इस वक्त। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नावेद साहब, आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं। मोहन भागवत ने चिंता जाहिर की, दुख जताया और साथ ही इतिहास का जिक्र, इतिहास से सबक लेते हैं, सीखते हैं। उसके बाद जो कुछ सियासत इस देश में हो रही है, क्या वाकई हर बात में बीजेपी जो कोशिश कर रही है उसी रास्ते पर मोहन भागवत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? मीना जी, देखिए ऐसा है कि मोहन भागवत साहब ने दुख जाहिर किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख जाहिर करने के साथ साथ मोहन भागवत साहब को एक काम और चाहिए कि नरेंद्र मोदी साहब को हिदायत दें, और वो हिदायत में ये कहें उनसे कि आपने 2 साल में जो वादे किए थे, जो अच्छे दिन के ख्वाब लोगों को दिखाए थे, जो झूठे सपने दिखाए थे, जो एक धोखा आपने दिया लोगों को, और हिंदुस्तान की आवाम के साथ 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी RSS की मानसिकता के लोग और कुछ दलों ने जो हिंदुस्तान की आवाम के साथ फरेब किया, ये सारी चीजें मोदी साहब को एक बार बैठ के बताएं। ठीक है, बहुत सही कहा आपने। आपकी बात को मैं सम्मान करती हूँ। मोदी साहब को समझाना चाहिए या मोदी साहब की बात को उनके मंत्री, उनकी सरकार नहीं समझ रही है तो उस बात को भी उन्हें समझना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता समाजवादी पार्टी की सरकार भी नाकाम है? जी जी मीना जी, हमारी सरकार नाकाम नहीं है। हमारी सरकार ने जो 5 साल के वादे होते हैं मैनिफेस्टो में, वो हमारे जो बासलाहियत, बासलीका वजीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव साहब, उन्होंने 3.5 और 4 साल में पूरे कर दिए। तो विकास की एक लकीर चिंता नहीं होती? मोहन भागवत को चिंता होती है, आपको चिंता नहीं होती? कानून व्यवस्था यूपी का जो हाल है पूरे देश में, उसकी जिस तरह से किरकिरी हो रही है, आप मीडिया से ताल्लुक रखती हैं
और आज मेरी खुशनसीबी है कि आज पहली बार आपके साथ बैठकर रूबरू होने का मौका मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया अच्छी तरह से एक चीज समझती होगी, स्पॉन्सरशिप क्या होती है। स्पॉन्सरशिप जो होती है, जो हम लोगों के प्रोग्राम्स, क्योंकि मैं भी मीडिया से ताल्लुक रख चुका हूं, 15 साल एक रेडियो इंडस्ट्री से जुड़ा रहा, तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है। तो स्पॉन्सर्ड, ये जो हमारे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो दंगे, जो पलायन की घटनाएं, जो दादरी की घटना, जो मुजफ्फरनगर, जो बदायूं का एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दिया और हमें पास किया एक तरीके से अगर देखा जाए, तो ये सारी चीजें देखिए, तो ये दूसरी लकीर खींची जा रही है और पैरेलल खींची जा रही है ये विकास की लकीर। लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था सिद्दीकी साहब, इसके लिए मैं उर्मिलेश जी आपके पास आती हूँ। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बीजेपी पर ये स्पॉन्सरशिप का आरोप लगाकर खुद को पाक साफ साबित कर सकती है कानून व्यवस्था के मोर्चे पर? नहीं मीना जी, देखो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मामले में हमाम में सभी नंगे हैं, और जितनी वहाँ की सियासी पार्टियाँ हैं, जितने बड़े ओहदेदार हैं, सबकी विफलताएँ बिल्कुल सामने हैं, और आज से नहीं है, हम मुजफ्फरनगर से हम देख रहे हैं। रही बात कैराना की, तो मैं आपको बताऊँ कि कैराना का जो इशू है, काफ़ी हद तक उसमें सियासतदान तो गुनहगार ही हैं, लेकिन मीडिया का एक सेक्शन भी मैं समझता हूं कि उसमें गुनाहगार है, जिसने शुरू के दिनों में क्या कश्मीर बनेगा कैराना जैसी कहानियां चलाई। जी, जी। और जब इंडियन एक्सप्रेस और कुछ और बड़े अखबारों के स्पॉट पे करेस्पॉन्डेंट्स पहुंचे और उन संवाददाताओं ने जब जमीनी असलियत को पहचाना और पकड़ा, तब पता चला कि वहां की हकीकत क्या थी, वहां की रियल कहानी क्या थी। उमेश जी, आप इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से पत्रकारिता का जो धर्म है उसको संजीदगी से और संवेदनशीलता से निभाने की हम कोशिश करते हैं। ईटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट ने भी ये साफ किया था, हुकुम सिंह को अपना बयान बदलना पड़ा था, हमारे रिपोर्टर्स ने जाके जिस तरह से सच्चाई बताई थी। उसके बीच राकेश सिन्हा साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूं, अखंड भारत की बात करने वाला आरएसएस और उनके प्रमुख, क्या वाकई में इस तरह से समाज को बांटने की दिशा में काम करते अच्छे लगते हैं? पहले तो मैं आपके प्रश्न पर ही आपत्ति करता हूं, ऐसे आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न ऐसे किस व्यक्ति के बारे में, किस पृष्ठभूमि के बारे में आप पूछ रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कह रहे हैं मोहन भागवत जी के बारे में देश बांटने का काम करें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने सर ये नहीं बोला, मैंने सबसे पहले बोला है अखंड भारत की बात करने वाले, उसके बाद आप बात करते हैं पलायन करने वाले हिंदू है, वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों है, वहाँ नागरिक है पलायन करने वाले, हम हिंदू और मुसलमान को कोट अनकोट क्यों करते हैं बार बार? मैं तो आप मेरी जगह आप डिबेट कर लीजिए, मुझे बोलने दीजिए या आप डिबेट कर लीजिए। देखिए मैं दो बातें कहना चाहता हूं। असम में एक सरफराज हुसैन नाम का एक लड़का है, वो सरफराज हुसैन कौन है, उसका टीवी डिबेट में कोई नाम नहीं लेता है, इसलिए कि आरएसएस के स्कूल में पढ़कर 10वीं क्लास में पूरे असम में प्रथम आया, और वह एक अपवाद नहीं है। जिस अखंड भारत की बात करके बांटने की बात आप कर रही हैं, संघ द्वारा संचालित एक विद्या भारती नाम की संस्था है जो अल्प प्रचारित है, उसमें 47,718 मुस्लिम छात्र, 260 मुस्लिम शिक्षक, जिसमें 183 मुस्लिम महिलाएं और 77 मुस्लिम पुरुष शिक्षक हैं। आप उनसे जाकर पूछ लीजिए कि उन स्कूलों में क्या किसी छात्र पर या किसी शिक्षक पर यह हिंदूकरण करने की कोई बात कही गई क्या? राकेश सिन्हा साहब, मैं एक मिनट के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगी, और बहुत ही मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं उस पर आ रहा हूँ आपके कहराने पे, मैं पूरी बात कर लूँ। मैं चाहता हूँ उर्मिलेश जी जो कह रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वही बात सच हो। देश को बांटना हम नहीं चाहते हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी को मोहन भागवत पे बहुत भरोसा है, उन्हें उत्तर प्रदेश की कैराना की जनता अगर वहां से पलायन कर रही है तो उसमें हिंदू शब्द क्यों जोड़ना पड़ता है? और मैं सिद्दीकी साहब आपके पास भी आती हूँ, आज हमारे पास दो खबरें आई, एक कहा गया कि
जिस तरह से पूरा दुनिया इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहा है, कुछ समुदाय विशेष के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमने कहा हम ये खबर नहीं दिखाएंगे। जो लोग बेवजह समुदाय विशेष के नाम पर, विरोध की सियासत के नाम पर कैमरा के सामने आना चाहते हैं, हम उनको नहीं दिखाएंगे। ठीक उसी तरह से हमने ये फैसला भी लिया कि अगर एक मुस्लिम बच्चा अगर आरएसएस की स्कूल में पास होता है, हमारे लिए वो कोई उपलब्धि नहीं है, हमारे लिए वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारे लिए वो आरएसएस का स्कूल है जिसे पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट हैं, दोनों हमारे लिए समान है। ये ध्रुवीकरण की सियासत राजनीति जो होती है, हम उसको समझना चाहते हैं। सिद्दीकी साहब, अगर अगर यहाँ पे राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन उनका समाज को देने का जिस तरह का वो बखान कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था के जरिए ये सब कुछ हो रहा है, और मोहन भागवत की कोई मंशा ऐसी नहीं है, उनका कोई इरादा नहीं है, उनके उस इस तरह से नहीं लेना चाहिए, क्या उत्तर प्रदेश की जनता भी इसी तरह से ले रही है? देखिए, मोहन भागवत जी का इरादा नहीं है ये तो नहीं माना जा सकता, और जो अभी संघ विचारक कह रहे थे इसको भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरएसएस हो, ये सब एक ही गुलदस्ते में लगे हुए कुछ ऐसे फूल हैं जो देश को सांप्रदायिकता की आग में इस वक्त महका रहे हैं, उसके बाग में खुशबू अपनी बिखेर रहे हैं, भले ही वो जैसी भी खुशबू हो। लेकिन ये कह देना कि उनका ये सोच नहीं थी, उनका ये विचार, अब देखिए इन्होंने जो आपने खुद इनके एक बात को, अल्फाज को पकड़ा, इनकी एक सेंटेंस को पकड़ा है मीना जी, वो ये कि हिंदू मुस्लिम बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ता है। कोई भी टीचर, आपने बहुत अच्छी बात कही, और कि कोई भी टीचर बच्चे को एक स्टूडेंट की नजर से देखता है, एक छात्र की नजर से देखता है, कभी ये नहीं देखता कि ये हिंदू बच्चा है या ये मुस्लिम बच्चा है। ये कह के ही देखिए, इन्होंने ये आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल है और लोग देखते हैं इसे, तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि ये देश बांटने वाले हैं। आपसे गुजारिश ये है, मुल्क को बांटना इस वक्त छोड़ दीजिए, मुल्क को बांटना छोड़ दीजिए, हाथ में जो तलवार लेके घूमते हैं आप, हर बार हमें राष्ट्रीय चैनल बता दें और हमारी तारीफ कर दें, उससे भी आप बच नहीं सकते इस बात से कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। सर, मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है, और पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, हर तरफ थूथू हो रही है। उर्मिलेश जी, ये जो दोनों बीजेपी और समाजवादी पार्टी यहाँ पर सियासत कर रही है, और दूसरे लोग, मैंने आपसे मीना, दूसरे लोग जो ये कह रहे हैं, माफ कीजिए सिद्दीकी साहब, उर्मिलेश जी के पास जाऊंगी, उर्मिलेश जी, दूसरे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे से भीतर खाने जिस तरह की मिलीभगत की है, उससे दूसरों को कांग्रेस और बीएसपी का जो आरोप है, हाथ में अपने तलवार और जेब में माचिस रख के घूम रहे हैं, ध्रुवीकरण की ये कोशिश बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, उर्मिलेश जी, उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के जरिए देश को कहां लेकर जाएगी? जी देखिए, मैं आप जो कह रही हैं, बहुत दिनों से ये बात कही जा रही है, और मुझे कोई अचरज नहीं होगा अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में फिर किया जा रहा है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक एक राजनीति जो उभरनी चाहिए थी इतने वर्षों के दौरान, वो उभर कर नहीं आई। तो ऐसा मुझे लगता है कि वाकई जो उत्तर प्रदेश में सक्रिय बड़े राजनीतिक दल हैं, चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं और उसकी एक अहमियत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दल आपस में साठगांठ भी रखते हैं और आपस में लड़ता हुआ एक दूसरे को दिखाते भी हैं कि हम लड़ भी रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे लोकसभा के अंदर, आप राज्यसभा के अंदर आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने बड़े जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हों, वैदेशिक मुद्दे हों, उन पर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार का कहीं से भी विरोध नहीं करती है। ठीक उसी तरह से आप देखिए कि बिहार चुनाव से पहले माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ जाने के लिए बिल्कुल बेताब थी और अध्यक्ष बन गए थे वो मोर्चे के, लेकिन ऑल ऑफ सडन चुनाव से एन पहले समाजवादी पार्टी ने एक अलग मोर्चा खोल दिया बिहार में, चौथा मोर्चा। तो मेरा कहना है कि ये सब अनायास नहीं है, ये राजनीति के जो समीकरण हैं और पर्दे के पीछे जो ध्रुवीकरण होते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं, जिससे जनता अनभिज्ञ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को इससे क्या मिलेगा, सवाल तो ये। और मिलेश जी, बहुत संक्षेप में बताइए सर। मुश्किल ये है कि लेकिन मीना बिल्कुल एक लाइन में, लेकिन मुश्किल यह है मीना कि सब कुछ जानते हुए भी जनता इन्हीं लोगों के बीच से विकल्प खोजने के लिए, विकल्प तलाशने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके पास मीनिंगफुल, सार्थक, समर्थ और
प्रो पीपुल अल्टरनेटिव आज तक इमर्ज नहीं किया उत्तर प्रदेश में। यह उत्तर प्रदेश के बहाने पूरे देश का एक दुर्भाग्य है जो मैं समझता हूं। और कैराना में बिल्कुल अंतिम लाइन, कैराना में कॉम्पिटेटिव कम्युनलिज्म का मामला है, क्योंकि हुकुम सिंह एक किसान राजनीति से आए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी में बहुत दिनों से हैं। उनको लगा कि ऐसे ऐसे लोग वहां पैदा हो गए हैं बीजेपी में, उनके कॉम्पिटिटर, कि उनको पूछा नहीं जा रहा है आरएसएस बीजेपी की तरफ से। तो मुझे ये व्यक्तिगत हितों की, ये राजनीतिक दलों की हितों की जो बलि है वो आम आदमी को देनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि वहां पे वैकल्पिक सियासत भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहूंगी, मुझे यहाँ कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। जो आप सब लोगों से बात निकलकर सामने आ रही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, चाहे वो सरकार हो चाहे वो दूसरे बीजेपी हो, दोनों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से बांटने की सियासत का आरोप लग रहा है, उसी तरह से जोड़ने का काम नहीं कर रहे। राकेश सिन्हा का कहना है कि आरएसएस जोड़ने का काम कर रही है और लगातार करती रही है, लेकिन सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप नावेद सिद्दीकी ने लगाया है। बहरहाल आगे बढ़ना होगा हमें, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु, मिलवाते हैं कन्याकुमारी की रहने वाली वसंत कुमारी से। इस बेटी के पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी ये एशिया की पहली महिला बस ड्राइवर के रूप में जानी जाती हैं। 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी और आर्थिक तंगी की वजह से बस चलाने का फैसला किया। 57 साल की हो चुकी वसंत कुमारी को 30 मार्च को 1993 में तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में अपॉइंट किया गया था। तमिलनाडु ट्रांसपोर्ट में वे इकलौती महिला ड्राइवर हैं और उन सभी रूट्स पर बसेस लेकर जाती हैं जिन पर पुरुष ड्राइवर्स को भेजा जाता है। 23 साल से बस चला रही वसंत कुमारी अप्रैल 2017 में रिटायर हो रही हैं और भविष्य में महिलाओं के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने का सपना देख रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। जाते जाते आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी से सीबीआई पूछताछ करेगी लेकिन गिरफ्तार नहीं करेगी, इस तरह की खबर आ रही है। कल ये पूछताछ हो सकती है। बहरहाल खबरों का सिलसिला यहां पर जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मुझे दीजिए अनुमति, कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी देश की बात में। नमस्कार।